हेलो, आई एम टॉम मुरे ली एंड यू आर वाचिंग आरटी क्रिकेट। आज रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। न्यूजीलैंड ने पहले ही ओवर से बहुत अग्रेसिव खेला और उसमें कामयाब भी हुए वो और इंडिया को एक बहुत बड़ा टोटल 220 रन का चेज करने के लिए दिया। अगर न्यूजीलैंड हैं तो आज तो कॉलिन मनरो और टिम सेफर्ट ने ओपन किए न्यूजीलैंड के लिए आज और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर के दिया बाकी की बैटिंग को बैटिंग करने के लिए। पिच पर कॉलिन मंडो ने बहुत शानदार खेल पेश किया और उससे अच्छा खेल पेश किया टिम सेफर्ट ने। उन्हें 84 रन स्कोर किया आज और मैन ऑफ द मैच भी रहे। बाकी के बैट्समैन जिनमें केन विलियमसन, रॉस टेलर, कॉलिन मंडो और बाकी के बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया को एक बड़ा टोटल चेज करने का दिया 220 रन का। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं तो जहाँ इंडिया के बॉलर से मिस्टेक्स हुई, गलती हुई, वो ये थी कि आज वो बहुत डिफेंसिव नजर आ रहे थे। खलील अहमद आज अपने पहले दूसरे ओवर में स्लो रन कर रहे थे कॉलिन मंरो को और वो भी ऐसे स्लो रन जो कि अंदर आ रहे हैं। और कॉलिन मंरो की ये स्ट्रेंथ है कि वो लेग साइड की बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं लेग साइड पे और बाकी बॉलर ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं किया आज, जिसकी वजह से उनको आज काफी रन पड़े और 218 रन स्कोर किए इंडिया ने और 219 रन स्कोर किए पहले न्यूजीलैंड ने। बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा शुरू में जल्दी आउट हो गया, प्रेशर आ गया नीचे की बैटिंग पर। कोहली भी नहीं खेले जैसे टी20 को पता है ये, तो ऐसे काफी प्रेशर था बैटिंग पर, मगर कोई बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और एक के बाद एक विकेट गिरती गई और इवेंचुअली इंडिया ये मैच हार गया। इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है ये, कंसीडरिंग द रन्स इंडिया ये मैच हारी है। अब देखना ये पड़ेगा क्या इंडिया अगले मैच में कमबैक कर पाएगा और क्या हार्ड फाइट दे पाएगा न्यूजीलैंड को। इस वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर क्रिकेट वीडियोस सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।